मोहनपुर प्रखंड के भैरव घाट मंदिर में धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा का आयोजन किया गया। यह पूजा नवरत्न समाज के द्वारा आयोजित किया गया है। पूजा के संबंध में पंडित बालकृष्ण चरण मिश्र ने बताया कि यह पूजा 19 वर्षों के बाद फिर किया जा रहा है। यह पूजा आश्विन माह में होती है। वैसे तो मले मास हर 2.5-3 साल पर लगता है, लेकिन आश्विन मास में यह 19 वर्ष के बाद संजोग आया है। कालिका पुराण के अंदर यह दर्शाया गया है कि महिषासुर का वध भगवती ने 3 बार किया है, एक बार उग्रचंडा के रूप में, एक बार भद्रकाली के रूप में और एक बार जय दुर्गा के रूप में। लेकिन तीनों बार जब वध हुआ, यह तीनों बार कन्या राशि में ही हुआ है। यह पूजा तंत्रों उपचार पूजा है। इस पूजा की शुरुआत नवरत्न समाज की ओर से किया गया और आगे भी होते रहेगा। पूजा के दौरान बतौर पुजारी के रूप में चांद महाराज और आचार्य के रूप में श्री कांची चरण मिश्रा मौजूद थे। पूजा को लेकर आसपास के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। देवघर से अवनीश। पूजा 19 वर्ष के बाद में हो रही है, क्योंकि ये अधिक आश्विन मास है। मलेमास हर एक 2.5-3 साल में मलेमास लगता है, लेकिन आश्विन में ये 19 वर्ष का योग है। और कालिका पुराण के अंतर्गत में महिषासुर का वध भगवती ने 3 बार किया है, एक बार उग्रचंडा के रूप में, एक बार भद्रकाली के रूप में, एक बार जय दुर्गा के रूप में। लेकिन ये तीनों बार वध जब हुआ है कन्या राशि के संक्रमण में ही हुआ है। और ये अधिक आश्विन मास, जैसे कि 17 तारीख से फिर शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा, ये अधिक आश्विन मास जो इसमें हो रहा है, ये अधिक शरदकालीन दुर्गा का विधान है। और यह पूर्व में भी पूजा हुई थी, ये अब फिर यह पूजा जो है सो 19 वर्ष के बाद में होगी और यह संपूर्ण रूप से तंत्रोक्त पूजा है। ये नवरत्न समाज जो है 9 आदमियों का समूह है, हम लोग 9 आदमी हैं। यहाँ पर तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ऐसा जो बहुत साल के बाद लगा है। इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं जो हर्षोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। बाकी बहुत दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।